Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the next topic of our chapter bones. And the name of the topic is osteoarthritis OA, which is an important topic of chapter bone and joints. देखिए osteoarthritis जिसको हम OA कहते हैं ये क्या है bone के joints का disorder है osteoarthritis bone के joints का disorder है हमारे synovial joints जो हैं उसके अंदर protective mechanism चलता है जो आपको पता है आपने जनरल इस चीज़ को पढ़ा हुआ है देखो इससे पहले अगर अपन जॉइंट्स की पैथोलॉजी देखें तो हर एक जॉइंट जो है वो आर्टिकुलर सरफेस का बना होता है जॉइंट्स बोन्स के आर्टिकुलर सरफेस का बना होता है इसमें स्पेस होता है जिसको अपन साइनोवियल स्पेस में लाइन होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग पाई जाती है ये मेम्ब्रेन जो है उस के लाइनिंग में साइनोवियोसाइट्स होती हैं लूज फाइब्रोवैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इस स्पेस के अंदर साइनोवियल फ्लूड पाया जाता है जो कि जॉइंट स्पेस को लुब्रिकेट करे रखता है इस फ्लूड में हाइल्यूरोनिक एसिड पाया जाता है अब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं तो उनको अपन एक साथ आर्थराइटिस कहते हैं तो ये दिखाया गया है मसल्स दिखाई गई हैं बोन का एपिफिशियल एंड दिखाया गया है ये साइनोवियल कैविटी है बर्सा है जॉइंट का कैप्सूल है उसके चारों तरफ ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखाया गया है ये लिगामेंट है अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस साइनोवियल जॉइंट की एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज का लॉस होने लग जाता है नई बोन बनने लग जाती है और जॉइंट काउंटर पे रीमॉडलिंग होने लग जाती है तो क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डीजेनरेटिव डिजीज डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज करेक्टराइज बाई ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ द वेट बियरिंग जॉइंट्स में जॉइंट स्टेज का स्ट्रक्चर का ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होने लग जाता है तो ये एक तरह की डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है और मोर कॉमनली ये एल्डरली वेमेन के अंदर पाई जाती है कौन कौन से जॉइंट्स में देखी जाएगी हिप जॉइंट नी जॉइंट वर्टिब्रा स्मॉल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स वगैरह में ये दिखाई देती है जिसमें प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअल लॉस होता है कार्टिजिनस मैट्रिक्स का प्रोटीन्स का जिससे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में डिग्रेडेशन हो जाता है बड़ा करके दिखा रही हूँ एक्चुअली आपको टेढ़ा मेढ़ा हो गया देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन वगैरह बताए गए हैं अब एपिडेमियोलॉजी कहाँ मैंने बताया वेट बियरिंग बोन जैसे नी हिप वगैरह में दिखाता है एज 65 साल के बाद कॉमनली देखने को मिलता है 80% रेडियोग्राफिक फीचर्स और 25-30% सिम्टोमेटिकली ये पता चलते हैं मोर कॉमन वेमेन में ज़्यादा है और फैमिलियल टेंडेंसी की वजह से भी देखा जा सकता है अगर किसी की फैमिली में ऐसी चल रही होती है परंपरा तो ये आगे तक चलती रहती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ तो ये बताया गया भाई कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे दिखाई देगा देखो अंगुलियों में टेढ़ी मेढ़ी सी अंगुलियाँ वगैरह हो जाती है हाथ पैर की बोन्स को देखो कैसे अजीब हो जाएंगी ईटियोलॉजी ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की होती है प्राइमरी को इडियोपैथिक भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई ऑब्वियस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं होता हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता ये ओए की एक कॉमन फॉर्म है जबकि सेकेंडरी क्यों होती है जब डीजेनरेटिव जॉइंट चेंजेस हो रहे होते हैं किसी रिकॉग्नाइजेबल लोकल या सिस्टमिक फैक्टर के रिस्पॉन्स के रूप में कि भाई वहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जॉइंट में चेंजेस होने लगे तो उसको अपन सेकेंडरी ओए कहते हैं अब सेकेंडरी ओए के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि मैंने कहा भाई बाहर से कोई ऐसा कोई स्टिमुलेशन कुछ मिला है उसको जैसे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आ सकती है हिप में डिस्प्लेसिया हो जाए एंडोक्राइन में एक्रोमिगैली हो जाए कोई ट्रॉमा जैसे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑक्यूपेशनल मैनिफेक्टॉमी हो जाए इन्फ्लामेशन जैसे आरए किसी को है आरए रिमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट गठिया रोग है सेप्टिक आर्थराइटिस किसी को है इन्फेक्शन के साथ में आर्थराइटिस तब भी ऐसा हो सकता है मेटाबॉलिक में एल कैप्टोन्यूरिया फिनाइल कीटोन्यूरिया मैंने आपको पढ़ाया था ना
जेनेटिक डिसऑर्डर इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में आता है एलकैप्टोन्यूरिया, और विल्सन डिजीज़ कॉपर की डिजीज़ होती है, ये दोनों जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है ये। एसेप्टिक नेक्रोसिस जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो, सिकल सेल की कोई डिजीज़ हो जाए तब ऐसा देखने को मिलता है। एसएलई सिस्टमिक ल्यूपस एराइथ्रोसिस के अंदर देखने को मिलता है। न्यूरोपैथीज में सिरिंजोमाइलिया हो जाए किसी को, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए तो ओए का खतरा रहता है। मिसेलिनियस में पैकेट्स डिजीज़ और गाउचर्स डिजीज़ हो जाए, दोनों बोन की ही डिजीज़ है तो इनमें भी ऐसा, इनकी वजह से भी ओए हो सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ससेप्टेबिलिटी, एजिंग और मैकेनिकल फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल ससेप्टेबिलिटी में हो सकता है कि भाई हेरिडिटी है कि वो ये होता रहता है, मैंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जेंडर भाई फीमेल्स में ज़्यादा होता है। हार्मोनल स्टेटस जब हार्मोन बिगड़ रहे होते हैं, मतलब पोस्ट मीनोपॉजल कंडीशन में ये काफ़ी कॉमनली देखने मिलता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है या हाई बोन मिनरल डेंसिटी में भी ऐसा देखा जा सकता है। उम्र तो है ही एक ऐसा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है हड्डियों की बीमारी के लिए। मैकेनिकल फैक्टर में कोई ट्रॉमा हो गया होगा, जॉइंट की शेप चेंज हो गई होगी, अलाइनमेंट चेंज हो गया होगा, या फिर आप कोई ऑक्यूपेशनल या रिक्रिएशनल थेरेपी जैसी कोई चीज़ ले रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है। अब ओए की पैथोजेनेसिस सुनिए, इसमें क्या हो जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज का लॉस और डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है लगातार, और साथ में पैरी आर्टिकुलर बोन का रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा होता है सब कॉन्ड्रल बोन के एक्सपोजर पर। इससे क्या होगा, मतलब जब ये दोनों चीज़ें होंगी, डिस्ट्रक्शन हो रहा है पैरी आर्टिकुलर बोन रिस्पॉन्स की वजह से सब कॉन्ड्रल बोन का एक्सपोजर हो रहा होता है, जिससे स्क्लेरोटिक हो जाती है, वहाँ पर ब्लड वेस्कुलैरिटी बढ़ जाती है और वहाँ पर सिस्ट बनने लग जाता है। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, थिक कैप्सूल दिख रहा है, अंदर सिस्ट बनी हुई दिखाई दे रही हैं, ये स्क्लेरोसिस हो गया सब कॉन्ड्रल बोन के अंदर। फाइब्रिलेटेड कार्टिलेज की शीविंग हो रही है, ये चेंज हो गया कार्टिलेज, डैमेज होने लग गया। ऑस्टियोफाइटिक लिपिंग हो गई है, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी जो साइनोवियल जॉइंट है वो उसका साइज बढ़ चुका है, इसलिए ये ऐसे फूला हुआ निकला हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। और ऑल्टर्ड काउंटर ऑफ बोन, बोन में बोन की वो जो शेप साइज स्ट्रक्चर है वो सब चेंज हो गई, ऑल्टर्ड हो गई। क्लिनिकल फीचर किसी को ओए होगा तो एक तो उसको दर्द होने लगेगा जॉइंट्स में, सुबह उठने के समय पर अकड़न आ जाती है और फंक्शनैलिटी कम हो जाती है। पेन में एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, स्पेशली वेट बियरिंग बोन, और भार उठाते समय ऐसा होएगा पर आराम करने पर वो दर्द ठीक भी हो जाएगा। अलग अलग टाइम पर वेरी कर सकता है, भाई सर्दियों में ज़्यादा दर्द हो रहा होएगा जैसी कंडीशन दिखाई देती है, और ये हो सकता है केवल एक ही जॉइंट में हो या हो सकता है कई जॉइंट्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे। सुबह उठते समय आधे घंटे तक जो है वो अकड़न रहेगी, हाथों पैरों के अंदर दर्द होंगे, फंक्शनैलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी कैप्सुलर थिकनिंग की वजह से, और ऑस्टियोफाइट्स के ब्लॉक होने की वजह से हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होने लग जाती है ऐसे लोगों को। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर आप देखेंगे तो नोडल जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस में भाई पहला तो ये 40 से 50 साल की महिलाओं में कॉमनली देखा जाता है, जिसमें दर्द रहने लग जाएगा, अकड़न स्टिफनेस आ जाएगी, एक या कुछ फिंगर्स में जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे नोड्स बन जाती है गांठे से, जैसे डायग्राम में दिखाया गया ना एग्जैक्टली ऐसी दिखाई देती है। आप पेशेंट्स को कभी देखोगे तो आप देखोगे उनके यहाँ इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में ऐसे गांठे बन जाएगी, इनको अपन हेबडेंस नोड्स कहते हैं या बॉकर्ट्स नोड्स कहते हैं। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होना सबसे कॉमन है, प्री डिस्पोजिशन हो जाता है ओए के साथ में अदर जॉइंट्स में भी, स्पेशली नीज में तो ये हो सकती है, और नीज के साथ में दूसरे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्लिनिकल फाइंड्स। नी में अगर हो रहा है तो टारगेट्स पटेलो फीमोरल और मीडियल टीबियो फीमोरल कंपार्टमेंट्स जो नी के हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। पेन लोकलाइज हो सकता है आगे की तरफ मीडियल आस्पेक्ट नी में या अपर टीबिया में होगा। जर्की गाइट, जर्क्स आ जाएंगे, और भी कई तरह के डिफॉर्मिटी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे घुटने, सूजन आ जाती है, जॉइंट की लाइन और पैरी आर्टिकुलर टेंडरनेस तनाव दिखाई देगा, क्वाड्रिसेप मसल्स में वीकनेस आ जाएगी और
तनाव आ जाएगा उसके अंदर भी, थकावट आ जाएगी। एक्सटेंशन फ्लेक्स एंड मोड़ नहीं सकते हो, ज़्यादा घुमा नहीं सकते हो, इसमें दिक्कत आएगी। बोनी स्वेलिंग जॉइंट्स के चारों तरफ से मैं बोल रही हूँ सूजन आ जाती है। इसके अलावा हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ हो तो उसमें टारगेट्स मोस्टली सुपीरियर आस्पेक्ट एंड लेस कॉमनली मिडल आस्पेक्ट ऑफ जॉइंट के सुपीरियर आस्पेक्ट पे ज़्यादा दिखाई देगी प्रॉब्लम। पेन मैक्सिमली डीप ग्रोइन एरिया में दिखाई देगा। एंटाल्जिक गायट इसमें बन जाता है। मसल्स में वास्टिंग हो जाएगी और वीकनेस आ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, अकड़न आ जाएगी। क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियल कार्टिलेज में बताया गया है, मसल्स में बताया गया सॉरी। पेन रहने लगेगा और वही इंटरनल रोटेशन हो नहीं पाएगा, फ्लेक्सन में दिक्कत आएगी, आप मोड़ वोड़ नहीं सकते उस पार्ट को। अर्ली अगर ऑनसेट हो जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो 45 एज से पहले अर्ली ऑनसेट दिखाई देगा। ये सिंगल और मल्टीपल जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। टिपिकली वही जो ओए के अपन ने अभी साइन सिम्टम पढ़े थे वही साइन सिम्टम इसमें दिखाई देंगे। इरोजिव ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी को हो रहा हो, घर्षण हो रहा हो और वो घस रही हो जो जॉइंट्स हैं, वो बोन्स जॉइंट्स की बोन्स, प्रेफरली भी प्रॉक्सिमल IPJs में देखने को मिल रहा होता है। इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स के अंदर ये देखने को मिलेगा, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में कॉमनली IPJ लेटरल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, कॉमन डेवलपमेंट हो जाते हैं कि वो इनस्टेबल हो जाएंगे। सब कॉन्ड्रियल इरोजन एक्सरे में देखोगे तो घर्षण दिखाई देगा। देखो अभी अंगुलियाँ देखो कैसी अलग दिखाई दे रही हैं आपको एक्सरे के अंदर, देखिए इस तरह से एक्सरे करने के लिए कहा जाता है इनको। एंकाई लॉसेस हो जाता है IPJs में। अब इनको अलग अलग को क्योंकि अपन ने आर्थराइटिस पढ़ा ना तो इनको वैसे तो मैं RA भी आपको अलग से पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पर एक साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिया हुआ है तीनों का, OA, RA और गाउट को, क्योंकि आप पहचानोगे कैसे, लगभग सिम्टम जो है सेम ले लेकर के आ रहे होते हैं पेशेंट, एक जैसी बातें बोलते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिजीज़ उसको हुई है। तो सबसे पहले आपको सिम्टम्स देखने हैं कि पूरी बॉडी पर इफेक्ट डाल रहे हैं क्या। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसे सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते। RA के अंदर फ्रीक्वेंट फटिक दिखाई दे रहा होता है, जनरल फील मतलब थकावट रहेगी, अक्सर ऐसा होता है, हर वक्त उसको ये महसूस होता है कि मैं बीमार हूँ, बीमारी वाली फीलिंग उस पर्सन को आती रहती है। जबकि गाउट में उसको ठंड लगती है, हल्का बुखार चढ़ता है, मेलाइज वही बीमारी जैसी फीलिंग हर वक्त आती रहती है और सीवियर पेन और इन्फ्लामेशन भी रहता है गठिया रोग के अंदर। ड्यूरेशन मॉर्निंग स्टिफनेस की ड्यूरेशन OA के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो 30 से 60 मिनट तक ही रहेगी या उससे भी कम समय तक, जबकि RA में मॉर्निंग स्टिफनेस थोड़ी लंबे समय तक लगभग एक घंटे तक तो रहती ही रहती है, उससे भी बल्कि ज़्यादा रहती है। गाउट में ऐसा कुछ नहीं होता। गांठे OA में हेबरडन्स और बाउकर्ट्स नोट्स देखने को मिलती है, इसमें भी हेबरडन्स नोट्स जो होती है वो नहीं दिखाई देंगी RA में, गाउट में ऐसा कुछ नहीं है। मूवमेंट में पेन, मूवमेंट के दौरान पेन OA में बढ़ने लग जाता है, जबकि RA में अगर आप मूवमेंट करते हैं तो पेन बल्कि कम हो जाता है। एज कौन से, मोस्ट कॉमनली OA जो है वो 50 साल के बाद स्टार्ट होती है, जबकि इसका कोई ए से लेन देन नहीं, 20 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। गाउट 35 साल की उम्र में मेन में और फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद देखने को मिलता है। लैब फाइंडिंग RA फैक्टर OA में दिखाई देगा, NTCCP एंटीबॉडी नेगेटिव, नॉर्मल ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह नॉर्मल देखने को मिल सकता है। RA में RA फैक्टर NTCCP एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगी, ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे RA में। और गाउट में जॉइंट फ्लूड माइक्रोस्कोपी से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्लेन एक्सरे करवा लो, जॉइंट स्पेस आपको एकदम नैरो दिखाई देगा जो नॉर्मली होना चाहिए। तो देखो ये दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में, एरो से बताया गया एकदम नैरो हो गया। सब कॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस हो गया है, ये मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स दिखाए गए हैं किनारे के, देखो भाई ये सब कॉन्ड्रल सिस्ट दिखाई गई है। इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट कर सकते हो, FBC नॉर्मल आएगी, ESR नॉर्मल, सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल आएगा OA के अंदर, रिमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव आएगा। साइनोवल फ्लूड एनालाइज करोगे तो विस्कस आएगा, इसकी टर्बिडिटी कम होती है। CPPD और कैल्शियम फॉस्फेट आप देख सकते हो।
मैनेजमेंट बिना फार्मेकोथेरेपी के भी कर सकते हो, फार्मेकोथेरेपी के साथ में और सर्जिकल इंटरवेंशन। मैं आपको बता दूं कि हालांकि पैथो के अंदर अपने को ज़रूरी नहीं होता है कि अपन ट्रीटमेंट वगैरह कुछ लिखें, पैथो में होता ही नहीं है। यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ सावधानियाँ ज़रूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। जैसे नॉन फार्मेकोथेरेपी है, पेशेंट को एजुकेशन दीजिए अच्छे से, उसको कंडीशन के बारे में पूरा समझाइए, उसको बताइए कि प्रॉपरली पोजीशन उसको लेनी है, अपने नेक को बैक को सपोर्ट करिए बैठने सोने के समय पर, फर्नीचर एडजस्ट करते समय सच है रेजिंग अ चेयर और टॉयलेट सीट तो उस वक्त उनको ध्यान रखना है, बार बार जॉइंट का मोशन मूवमेंट नहीं करवाना है, फ्रीक्वेंट बेंडिंग नहीं करनी है, वेट उनको अपना कम करना चाहिए, ओवरवेट और ओबेस अगर वो पर्सन है तो आप कहिए कि इससे आपका पेन कम होएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगी अगर आप अपने वेट कम कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए कहिए और उनमें कॉन्फिडेंस को डेवलप करवाइए। इसके अलावा एक्सरसाइज करने के लिए कहिए जिसमें एरोबिक कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज भी कही जा सकती है कि भाई ऐसी एक्सरसाइज आप करें। एडवर्स मैकेनिकल फैक्टर में वेट लॉस करने के लिए कहिए, पेसिंग एक्टिविटीज़ और फुटवेयर एकदम सही पहनने हैं, मतलब फ्लैट फुटवेयर पहनिए, ऐसे हील वाले फुटवेयर नहीं पहनने हैं जो आपके पैरों को आराम दे। मूव टू इम्प्रूव। बस अब मैंने आपको फार्मेकोलॉजिकल या सर्जिकल वाला नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको बताया भी पैथो के अंदर हमारे को ट्रीटमेंट नहीं लिखना होता, ये तो अपन थोड़ा सा पेशेंट को कह सकते हैं ताकि इसमें राहत मिल सके, आराम के लिए बता सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पैथो में पढ़ा दिया है। इसके साथ ही आपका ये आज की क्लास, आज का ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।